श्री राम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे है भुना हुआ सिंगदाना और गुड़। दवा काफी पसंद आता है दोस्तों मुझे, पर्सनली मेरा तो बहुत फेवरेट है। तो अभी अच्छे से भुनी है और गुड़ भी है और यहाँ पे मैच पे चल रही है। सो हे गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो दोस्तों शाम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। हाँ, आपने देखा ही पिछला व्लॉग अभी 2-3 घंटे पहले एंड किया, एडिट किया और अपलोड कर दिया ताकि आप लोग देख सको दोस्तों। तो हाँ, 8 बजे नहीं आया सुबह व्लॉग, थोड़ा लेट हुआ लेकिन क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहा था दोस्तों। 8:30 बजे तो घर रूम पे ही आया, मतलब घर पे ही आया, अभी रूम क्या बोलूँ। हाँ दोस्तों, अमरावती आ चुका हूँ, पिछला व्लॉग में देखा ही आपने। अचानक से प्लान बना क्योंकि बहुत 4-5 दिन की छुट्टियाँ आ रही थी तो आना था, इम्पोर्टेंट काम भी है घर पे, तो इसी के सिलसिले में आया हूँ। अभी देखो शाम का टाइम है तो ऊपर टेरेस पे घूम रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो क्या खतरनाक मौसम हो चुका है, मतलब फुल खतरनाक वाइब है दोस्तों आज। मतलब इतनी ज़्यादा धूप है यहाँ, पुणे में 36-37-40 तक जाता है लेकिन अमरावती में 46 क्रॉस होता है हर बार समर में। तो हाँ, बहुत ज़्यादा धूप रहती है दोस्तों, देखा ही, अभी दिखाऊंगा ही। नीचे जाने के बाद कूलर वगैरह सब लग गए, सबके घर पे लग गए ताकि गर्मी से बच पाए। अभी देखो कपड़े लाने आया था पीछे, मम्मी ने आते से ही कपड़े धो दिए सब, कि ट्रैवलिंग के थे और कुछ रूम पे धोए नहीं थे वही। तो अभी दोस्तों फटाफट अभी व्लॉग स्टार्ट किया है तो हाँ दिखाऊंगा क्या रूटीन रहता है। आज तो फिलहाल घर पे ही हूँ दोस्तों क्योंकि थक गया था तो आराम किया और अभी भी शाम को कहीं जाना नहीं होगा। कल से प्लान बनाएंगे, कल से सही सही आपको एक्सप्लोर कराएंगे। ये देखो अभी पानी भरना चालू है यहाँ में, आवाज़ आ ही रहा है। तो चलो कपड़े वगैरह नीचे लेके जाता हूँ अभी, और क्या होता है दिन भर दिखाता ही हूँ दोस्तों। अभी दिन तो नहीं बोल सकते, रात में थोड़ा सुबह भी कंटिन्यू करूँगा। अभी दोस्तों नेटवर्क का कोई इशू नहीं है घर पर, वाईफाई है, नहीं तो पहले रूम पे 5G नहीं आया तो व्लॉग कैसे अपलोड करूँ वैसा होता था, लेकिन अभी नहीं, टाइम टू टाइम व्लॉग देखने मिलेगा आपको। तो चलो कपड़े लेके जाता हूँ। तो दोस्तों देखो ऊपर से आया कपड़े वगैरह लेके, तो नीचे के 2-3 काम कर लिए। अभी मस्त मैच देख रहा हूँ दोस्तों, या देख सकते हो IPL चल रही है, RCB वर्सेस RR, तो हाँ वो मैच देख रहा हूँ। और साथ ही साथ देखो अभी घर पे आए तो कुछ ना कुछ तो अच्छा बनता ही है, खातिरदारी होती है। तो अभी शाम हो चुकी है, थोड़ी भूख लगी थी तो खाना तो नहीं खा सकते इतनी जल्दी। पप्पा भी गए ड्यूटी पे तो उनके लिए खाना बन गया है, लेकिन इतनी जल्दी खाने की इच्छा भी नहीं होती है और आदत भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा कुछ स्नैक्स टाइप घर पे है तो मिलता ही है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे है भुना हुआ सिंगदाना और गुड़। तो हाँ काफी पसंद आता है दोस्तों मुझे, पर्सनली मेरा तो बहुत फेवरेट है। तो अभी अच्छे से भुन लिया है और गुड़ भी है और यहाँ पे मैच तो चल ही रही है। और दोस्तों घर पे फिलहाल कोई नहीं है, मम्मी भी मंदिर में गई है, भैया भी बाहर गए और पापा भी गए अभी ड्यूटी पे। तो चलो मस्त मैच देखता हूँ और ये खाता हूँ और एंजॉय करता हूँ दोस्तों आज का दिन, क्योंकि कल से फिर बाहर वगैरह जाना पड़ेगा, आपको भी नया नया कंटेंट दिखाना पड़ेगा यार। तो चलो अभी फटाफट खा लेता हूँ। जय श्री राम। तो दोस्तों आज है शनिवार, तो हाँ हनुमान जी के मंदिर में तो आना लाजमी बनता ही है। तो देखो राम भगवान का भी तस्वीर है ही यहाँ। तो चलो अभी फटाफट, ज़्यादा शूट नहीं करता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों फटाफट, मतलब कैमरा बंद कर लेता हूँ अभी और दर्शन करता हूँ, आप भी कर लो दोस्तों। और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलो। तो देखो दोस्तों अभी मंदिर से तो घर के रास्ते के लिए निकल चुका हूँ। देखो फिलहाल अंधेरा है, बीच में का एक स्ट्रीट लाइट बंद है इसीलिए देखो फुल अंधेरा ही अंधेरा है। और घर के तरफ तो पहुँच चुका हूँ, ये देखो ये अपना कुछ घर, हाँ अभी अंधेरे में नहीं दिख रहा है। तो चलो फटाफट अभी अंदर चलते हैं और क्या कुछ होता है दिखाता ही हूँ दोस्तों। फटाफट जाना है, भैया भी आने वाले हैं और पप्पा तो नहीं आएंगे, अभी ड्यूटी पे गए। दोस्तों मंदिर से तो आ गए हूँ, हाँ सैटरडे, ये देखो मम्मी यहाँ बैठी है, भैया भी है, देखो भैया भी दिख चुका है। तो अभी फटाफट दोस्तों खाना खाना है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाँ रात के अभी 9:30 बज चुके हैं। मम्मी का तो रूटीन है, मतलब
सीरियल देखते हैं और उसी टाइम पे सब काम वगैरह हो जाता है। तो चलो खाना भी लग चुका है अपना दोस्तों। ये तो सलाद है, रोटी और सोयाबीन की सब्जी है। देखो काफ़ी सही है, मेस जैसी नहीं है दोस्तों, घर की सब्जी है और घर का खाना है, मतलब अच्छा ही है। तो चलो खाते हैं अभी फटाफट खाना, कैसा है फटाफट खाना खा लेंगे और देखते हैं क्या प्लान बनता है। मूवी वगैरह देखेंगे एक आधी, क्योंकि अभी छुट्टियाँ है यार, अभी नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे। तो एक आधी मूवी देखेंगे, मतलब हनुमान, जो आधी मैंने रूम पे कंप्लीट की थी। देखते हैं यहाँ पे मौका मिलता है क्या कंप्लीट करने का। सबसे पहले तो अभी खाना खा लेता हूँ। यहाँ पे देखो मम्मी भी आई, तो मम्मी की सीरियल देखते हैं कैसी लगती है, बताऊंगा ही। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज का डे टू है, कल कुछ हुआ ही नहीं ज़्यादा। हाँ मतलब सुबह के 8 बज चुके हैं अभी, सुबह सुबह उठ गया था 7 बजे तक, लेकिन फिर वापस सो गया दोस्तों। तो अभी 8 बज चुके हैं, देखो पीछे गाने वगैरह चल रहे हैं दोस्तों अच्छे तरीके से। तो हाँ, और अमरावती में मतलब देखो अभी धूप इतनी ज़्यादा थी कल तक आपने देखा, आज सुबह देखो दोस्तों फुल बारिश आ गई थी, देख ही सकते हो। रोड अभी भी गीला ही है, मतलब कंटिन्यू बारिश आई थी सुबह सुबह। तो हाँ कुछ अलग ही देखने मिला, मैं 7 बजे उठा तब तो बारिश शुरू थी दोस्तों। मम्मी जॉगिंग के लिए जाती है तो आज जाना भी कैंसिल हो गया क्योंकि सुबह से बारिश आ गई थी। तो हाँ चलो क्या करते, अभी बारिश आई है अच्छा, लेकिन थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कैसा क्या जमेगा। अभी फटाफट फ्रेश वगैरह होता हूँ थोड़ा, और पप्पा भी आने गए दोस्तों, तो होपफुली पप्पा आए गए तो कुछ ना कुछ लेके आने वाले हैं आज, नाश्ता वगैरह। तो देखते हैं अमरावती स्पेशल नाश्ता, पुणे में तो वड़ा पाव वगैरह पोहे वगैरह वही चलता है, लेकिन दिखाते हैं अपने अमरावती का नाश्ता एकदम विदर्भ स्टाइल। तो चलो दोस्तों देखो नाश्ता आ चुका है, आलू बोंडा, हाँ इसे वड़ा बोलते हैं पुणे के साइड में, हमारे इधर आलू बोंडा, ब्रेड पकौड़ा और दाल के वड़े तो आ चुके हैं दोस्तों। एक चीज़ मिसिंग है जो कि है गीला वड़ा, वो फिर कभी लाएंगे दोस्तों। आज मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अवेलेबल नहीं था, पता ही है गीला वड़ा इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट है अमरावती में कि सब लोग सिर्फ गीला वड़ा खाने आते हैं दोस्तों। तो हाँ आज थोड़ा नहीं मिला, लेट गए थे पापा इसीलिए। तो अभी बस ये देखो दोस्तों विदर्भ स्पेशल तर्री, कहीं नहीं मिलेगी सिर्फ विदर्भ में मिलेंगी। ये देखो ये बड़ा और ब्रेड पकौड़ा और अपना जो दाल का बड़ा है वो देखो, तीनों भी प्लेट लग चुकी है, पप्पा तो लेके गए उनकी प्लेट, जल्दी जाना है उनको थोड़ा ड्यूटी का ये है दोस्तों। तो चलो फटाफट भी खाते हैं, काफ़ी सही टेस्ट लगने वाला है। देखो भैया भी आ रहा है, मम्मी भी आ रहे हैं, तो सब साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं और मस्त लुक उठाते हैं दोस्तों। हाँ पुणे में नहीं मिल पाता है ऐसा नाश्ता। देखो अभी पप्पा नाश्ता कर रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए दोस्तों, नाश्ता मस्त, न्यूज़ चालू की है और नाश्ता देख रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है तो न्यूज़ में तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहता ही है, तो चलो डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पे देखो मम्मी भी नाश्ता कर रही है अभी। हाँ किस आइटम से स्टार्ट करूँ वो समझ नहीं रहा है, तो चलो फटाफट अभी नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है, अभी फिलहाल तो नहाने जाना है दोस्तों, तो चलो मैं जाता हूँ नहाने दोस्तों। और इसके बाद का जो व्लॉग बनेगा, थोड़ा शॉपिंग करने भी जाना है, हाँ वो कहाँ जा रहा है किसके साथ जा रहा है वो अब नेक्स्ट व्लॉग में देखना दोस्तों। तो बस आज का व्लॉग कैसे लगा, घर का व्लॉग था, फर्स्ट डे था, कहीं जाना नहीं था, आराम ही करना था, इसीलिए ऐसा कुछ व्लॉग बना है, लेकिन अच्छा बना है दोस्तों व्लॉग, हाँ काफ़ी सही बना है। तो ज़रूर कैसा लगा कमेंट में बताना, पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों। और इंस्टाग्राम पे दोस्तों बहुत सही कंटेंट बना रहा हूँ यार, जब से घर पे आया, जाइए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे पेज की और 2 पेज है उसकी लिंक मेरे बायो में मिल जाएंगी, तो जाइए ज़रूर चेक कीजिए। तो चलो बस आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक नया व्लॉग लेके कल आपके साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, गुड बाय।